हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, जैसे कि आप लोग के एग्जाम चल रहे होंगे तो मुझे आशा है कि आप लोग के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। डेफिनेटली जो बच्चे कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर पे पढ़ रहे हों या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, या मतलब कुल मिला के वो पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। जिन्होंने मेहनत की है, कंटिन्यूअसली मेहनत की है, तो वो बच्चे तो एग्जाम फोड़ देंगे या उनका एग्जाम अच्छा जाएगा डेफिनेटली। और जो बच्चे अभी बैठे हैं कि कोरोना के इंतजार में है कि कोरोना आएगा हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते या आप भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो जिन क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं है, दे हैव नॉट डिसाइड देयर गोल, उन्होंने अपने गोल को डिसाइड ही नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपन कुछ कर भी नहीं सकते। तो जिन व्यक्तियों ने अपना गोल डिसाइड किया है वो मेहनत कर रहे हैं बेटा, लगातार पढ़ रहे हैं, है ना, कोचिंग जा रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो यूट्यूब है, मतलब जो भी अपन को मीडियम है जिससे हम लोग अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जो कुछ करना नहीं चाहते उनको हम कुछ कर भी नहीं सकते उनके लिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी मिरर में कौन कौन क्या क्या, मतलब जो बेसिक डेफिनेशन होती है, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। बेटा आप अपना, है ना, ये तो सब ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा आप अपना गोल डिसाइड कीजिए और गोल के अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस सफलता के लिए जो ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करते हैं। बेटा मेहनत भी जरूरी है, सपना देखना अच्छी बात है, ड्रीम करना अच्छी बात है, बट सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत कम लोग ही मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करता है वो सक्सेस हो जाता है।